हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस की यूनिट 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में। सो लेट सी। सो हमेशा ये अभी तक का देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ विल यू यूज़ इवेल्यूएशन फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, कि आप इवेल्यूएशन को कैसे यूज़ करोगे कि आप बच्चों के लर्निंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सको एग्जाम्पल्स के साथ बताना। तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एक इंट्रो प्रोवाइड करेंगे। सो इंट्रो में क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच वर्क्स आउट चेंजेस इन चिल्ड्रन। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बच्चों के अंदर चेंजेस लेके आता है, वर्कआउट करते हैं उनके, जैसे आप जिम में वर्कआउट करते हो अपने अंदर चेंजेस लेके आते हो अपनी बॉडी के अंदर, वैसे ही एजुकेशन एक प्रोसेस है जिससे चिल्ड्रन के बिहेवियर में एंड उसके वर्क में चेंजेस आते हैं। By using appropriate evaluation techniques, we can determine how much information the students have acquired, how much they have changed their attitudes, and how much they have improved in working. Evaluation techniques का proper use करते हुए हम determine कर सकते हैं कि एक student ने कितनी information को acquire किया है, मतलब कितनी उसने knowledge ली है, उसने कितना अपना attitude change किया है, and जिस strategy के साथ वो work करता था तो क्या उसमें improvement आई है या नहीं आई। सो इसका हम कैसे लिखेंगे, एवेल्यूएशन कैसे हेल्पफुल है लर्निंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन से ही समझ सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एवेल्यूएशन हेल्प्स अस टू नो अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। एवेल्यूएशन हेल्प करती है कि हम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज, उनकी कैपेसिटीज़ को पहचान सके, जान सके। वी कैन क्लासिफाई स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट्स इन डिफरेंट टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। हम बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी अचीवमेंट को देखते हुए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट टेस्ट में उनके, उन्होंने कितना अचीवमेंट किया, उनको क्या क्या अचीवमेंट मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं थ्रू इवेल्यूएशन, जिससे कि हेल्प मिलती है कि हम बच्चों के लर्निंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग गेम्स एंड एक्टिविटीज़। हम गेम्स एंड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों के लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए। By conducting games and other activities for students, evaluation helps us to know the strengths and weaknesses of the students and come to know where they are and how far the teacher effort has been successful and what other strategies teachers should do to improve the student learning. जब हम games and activities conduct कराते हैं students के लिए तो evaluation help करती है कि हम बच्चों की strength का पता लगा सकें, उनकी वीकनेस क्या है ये भी पता लगा सके, एंड साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है टीचर्स को कि जो टीचर्स एफर्ट लगा रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बच्चों की लाइफ में, क्या बच्चे उन एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो टीचर्स ये पता लगा पाते हैं कि जो वो स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही है, जो वो टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रही है, उससे स्टूडेंट की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर नहीं होती तो टीचर्स फिर नई नई स्ट्रैटेजीज को लेके आती है ताकि बच्चों के लर्निंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। हम इससे एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को। इवेल्यूएशन हेल्प्स द टीचर इन रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल लर्निंग एंड डिफरेंसेस सच एज एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स, अचीवमेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। इवेल्यूएशन टीचर को हेल्प करता है कि वो जो एक बच्चे के इंडिविजुअल नीड है उसका पता लगा सके कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है एंड डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़ क्या क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, उनकी किस किस चीज़ में अचीवमेंट्स रही है, एंड पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में भी हम पता लगा पाते हैं थ्रू इवेल्यूएशन। गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट्स टू कम टू द राइट पाथ फॉर अचीविंग देयर गोल एंड विच कॉलेज एंड सब्जेक्ट दे नीड टू चूज फॉर अचीविंग देयर पर्टिकुलर गोल। जब हम बच्चों को गाइड करते हैं, जब टीचर्स बच्चों को गाइड कर रही होते हैं तो बच्चों को एक राइट पाथ मिल जाता है कि वो उन्होंने का जो उन्होंने प्रोफेशन चूज़ किया है उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें कौन से कॉलेज एंड सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए एंड मतलब कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए एंड कितनी परसेंटेज होनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा कॉलेज मिले, ताकि वो अपने अचीव कर अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके। तो ये सब हम प्रोवाइड करते हैं इवेल्यूएशन के थ्रू, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स में क्या है, इवेल्यूएशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर द स्टूडेंट्स एज एग्जामिनेशन सेट्स अ क्लियर कट गोल
टू अचीव बिफोर द स्टूडेंट्स। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स में यह है कि हम अपने बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि तुम्हें इस इंसेंटिव पे पहुंचना है, तुम्हें एक गोल दे दिया गया है, तुम्हें ये अचीव करना ही करना है। जैसे कि कुछ बच्चों के लिए जो वीक होते हैं उन्हें, और हमें पता है कि हाँ वो नहीं कर पाएंगे, तो हम उन्हें ये नहीं बोलते डायरेक्ट कि तुम 90% लेके आओ, उन्हें ये बोलते तुम एटलीस्ट 70% तो लेके आ सकते हो, तो तुम लेके आओ। हम उन्हें डिमोटिवेट भी नहीं करते एंड हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हाँ वो इतना मेहनत करेंगे। तो या तो एंड कुछ बच्चों को डायरेक्ट टीचर्स बोल देते हैं कि तुम्हें सिर्फ 35% ले आना, बस पास हो जाना, वही बहुत है। बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बट हाँ, हमने उन्हें क्लियर कट गोल सेटअप करके दे दिया। इवेल्यूशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर द स्टूडेंट्स एज ए एग्जामिनेशन सेट अ क्लियर गोल टू अचीव बिफोर द स्टूडेंट्स। इवेल्यूशन हेल्प करता है बच्चों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक एग्जामिनेशन ने क्लियर कट गोल सेट किया हुआ है, उसे वो अचीव ज़रूर कर ले। स्टूडेंट्स मेक ग्रेटर एफर्ट्स टू रीच द हाइएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट विच इम्प्रूव्स द लर्निंग स्टैंडर्ड। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अचीवमेंट मिल सके एंड वो हाइएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। मतलब उन्होंने जो एक गोल सेट किया तो वो उनके लिए हाइएस्ट लेवल है, तो वो उसको ज़रूर अचीव कर सके। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और उन्हें एक काइंड का गोल मिल जाता है एंड इस वजह से उनके लर्निंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होते हैं, बिकॉज बच्चे अपने खुद की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।